हे दोस्तों, जय हिंद यार। अभी मैं जिम जाने वाला था और मेरा एक जोश खराब हो गया है, तो अभी मैकेनिक आया है ये देखो ठीक करने के लिए, तो इसका उसी के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। अब 10 मिनट 20 मिनट लेट हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट भी अपना बनाता हूँ ना रूम पे, इसलिए तो एक जोश होना जरूरी है। दिन भर की एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जाके जिम में निकाल देता हूँ यार, क्या करूँ, कहीं तो एंटरटेनमेंट करना ही पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको अपना रूम भी विजिट करा देता हूँ। देखिए ये मेरा टेबल है, इसमें छोटा सा मंदिर है, इधर मेरी लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स रखी हुई हैं, कुछ बुक इसमें है, कुछ बुक उसमें है, और थोड़ा बुक इसमें है। मैंने अभी रेफरेंस बुक ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि कोचिंग का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आजकल। आप लोगों के ना जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, जितने भी एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी की कौन से चैप्टर को कौन सी स्टैंडर्ड की रीड करनी है, मैं आपको सारा एक वीडियो में लाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये मेरा छोटा सा किचन है जो कि रूम के अंदर ही है, ये बड़ी सी विंडो है, ये एक जोस्ट जो कि अभी बनने वाला है, कल से खराब गया है, और ये मेरी अलमीरा है जिसमें कुछ बुक्स कुछ कपड़े हुए हैं रखे हुए हैं, और तो बस ये अपना सेकर है जिम के लिए, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट मैं जिम में कर लेता हूँ। अभी जिम जाने से पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, जो कि आज की क्लास में लैंडफॉर्म पढ़ाया जा रहा है। ज्योग्राफी की जो फैकल्टी टीचर हैं रोहित वजीर सर, एक नंबर के एक सुपर बेस्ट टीचर हैं यार। वो कल क्या पढ़ाने वाले हैं आज बच्चों को डांट डांट के बताते हैं कि कल ये चैप्टर आपको रीड करके आना है दोस्तों। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप कमेंट में बताते रहिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए बीच बीच में लाता रहूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि दिल्ली नहीं आ सकते हैं, वो अपने घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अगर थोड़ी सी भी उनकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा, और हो सकता है कल मैं कोचिंग क्लासेस के कुछ उस स्टूडेंट से मैं बात करूं, आपको दिखाऊं कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। देखिए दोस्तों, ये वायर लेके आ चुके हैं हमारे मैकेनिक दोस्त हैं, जो कि एक जोश बना रहे हैं, हाय कर दो बस अभी 2 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा और 45 से 1 घंटे जिम करूंगा, उसके बाद फिर आऊंगा, आधे से 1 घंटे में नाश्ता करूंगा, जो भी डाइट लेना होगा उसको डाइट लूंगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, फिर 1 घंटे बाद फिर डिनर लूंगा जो कि टिफिन आ जाएगी अपनी। किचन तो दोस्तों सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए है, कभी कभी बना सकता हूँ खाना भी, ऐसा नहीं है, खाना भी बनाना आता है अपने को। दोस्तों ये जो पीछे मैप लगा हुआ है ना इंडिया एंड वर्ल्ड का, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मैप तो परचेज कर लीजिए, अपने रूम के वॉल पे उसको चिपका भी दीजिए, लेकिन एक बड़ा सा पोस्टर लेके ना इसको बीच बीच में ड्रा करते रहिए, जो जो चीज डिस्कस होती है क्लासेस में, अगर आप यूट्यूब के थ्रू आप कोई लेक्चर लेते हैं तो उसको भी बीच बीच में ना पॉइंट आउट करते रहिए, बीच बीच में ड्रा करते रहिए, वो आपके लिए ना जो कंसेप्ट क्लियर होगा बहुत अच्छा होगा।